सो हे गाइस, आज के वर्षिक नई वीडियो लेके आज बात करेंगे गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गिट्स, जो कि प्रेजेंट है उदयपुर के अंदर। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेंगे कि कैसा कॉलेज है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने आपका है इसमें एडमिशन लेने का, कैसा है कॉलेज का एनवायरनमेंट, फैकल्टी कैसी है, रिसोर्सेज कैसी है, और यहाँ पर अपन बात करेंगे इसके प्लेसमेंट कैसे, एवरेज पैकेज कितने का है, हाईएस्ट पैकेज कितने का है, और लास्ट बात करेंगे क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। और ऐसा मान लीजिए कि यार ये की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं गूगल से नहीं ली है, चिंता मत कीजिए यार, ये मैंने अपने खुद मेरे दोस्त द्वारा पढ़ रहा है, या फिर आप मान सकते हैं कि यार जो मतलब अच्छे रिसोर्स है वहाँ से निकाल के लाया हूँ, कोई फेक नहीं है, मतलब गूगल से कुछ भी चुराया नहीं है। और थैंक यू बोलना चाहूँगा जिसने मेरी हेल्प करी है, जिस फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी है। बाकी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बता दूँ कि यार वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव तो शेयर करना दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो बात ऐसी है, अपन अभी गीतांजलि इंस्टीट्यूट जो है उसकी मेन वेबसाइट पे बैठे हैं इस वक्त। वेबसाइट बड़ी अच्छी तरह से बिल्ड कर रखी है, मतलब हाँ इसमें कंप्यूटर साइंस से पढ़ाया जाता ही जाता है, तो अपन मान सकते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि गीतांजलि का फुल फॉर्म क्या है, अपन ने जो पहले बता दिया, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, जो कि प्रेजेंट है अपने उदयपुर के अंदर। ये अफिलेटेड है RTU कोटा, जो कि है यार राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि कोटा में है, ठीक है। तो यार इसमें बात करते हैं, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं इसमें कोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं, आप मतलब इसमें आप ले सकते हैं कोर्सेज इन एडमिशन इन BTech, MTech, MBA, MCA और PhD भी कर सकते हैं इस कॉलेज से आप, ठीक है। तो यार मालूम पड़ रहा है कि हाँ है, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यार इसमें यार कॉलेज एनवायरनमेंट कैसा है, इस कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा बताया जा रहा है बच्चों के हिसाब से। तो इसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि यार इसका एनवायरनमेंट है बड़ा ही बेसिक, मतलब एवरेज मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट, ठीक ठाक से एवरेज जो होता है ना, मतलब ठीक है यार, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है ज़्यादा बुरा भी नहीं है, वैसा इसका एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट अपना आता है कि इसमें अपने पॉपुलर स्पॉट कौन कौन से हैं, मतलब इस कॉलेज के जो पॉपुलर स्पॉट्स हैं जिसमें आप मतलब अपने दोस्तनी के साथ बैठ सकते हैं जाके, वैसे स्पॉट्स कौन कौन से हैं, वो है यार एक MD करके कुछ स्पॉट है, यार मुझे भी नहीं पता क्या है स्पॉट का नाम है पूरा फुल फॉर्म, अब वह जाएंगे ना तक मालूम पड़ जाएगा। तो एक MD करके कुछ स्पॉट है, वो अच्छा फेमस स्पॉट है इसका। तो यार नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि कंडीशन कैसी क्लासेस की, मतलब कंडीशन ऐसी है कि यार मतलब आपको अपने स्कूल के दिन पुराने याद आ जाएंगे, मतलब वो गाना है ना, वो दिन भी क्या दिन थे, वो याद आ जाएंगे आपको आराम से इस कॉलेज में, जब अब जाएंगे और बैठेंगे क्लास में जाके। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यार फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी यार बताया जा रहा है कि फैकल्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज मान लीजिए, एवरेज से थोड़ा कम मान लीजिए, ठीक ठाक से ज़्यादा इतना मतलब मेरे को इनपुट नहीं आ पाया मेरे पास ज़्यादा अच्छा कि यार मेरे को बस एक रिप्लाई एज सच स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एवरेज फैकल्टी मेंबर्स हैं इधर, आपको मतलब इतना एक्सपेक्टेड मत रखना कि बहुत अच्छे फैकल्टी मिलेगी आपको जो आपको मतलब एकदम इसरो बचा देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आते हैं कि अपनी रिसोर्सेज क्या है, जैसे रिसोर्सेज कौन कौन सी अवेलेबल है, तो मैंने बात करी यार मतलब सिर्फ इधर दिखाने के लिए रख रखा है रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल यार स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह या फिर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए रखी हुई हैं। तो मतलब आप मान के चलिए कि आप अगर जा रहे हैं उस कॉलेज में तो आप सिर्फ और सिर्फ देख के आएंगे और स्नैपचैट पे अपनी स्नैप भेजेंगे स्पोर्ट्स का दिखा दिखा के, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बाकी अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें NCC अवेलेबल है, तो आप NCC ज्वाइन करके बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, मैं यार सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन बात कर लेते हैं कि आप रिसोर्सेज बात कर लिए अपन, देखते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसमें एडमिशन यार आप ले सकते हैं 12th के बेसिस पे, ठीक है, या आप ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, जैसे कि जो होता है वो होता है डायरेक्टली वाला, फिर आप ले सकते हैं JEE मेंस के स्कोर्स के थ्रू, या फिर आप ले सकते हैं रीप के फॉर्म के थ्रू, जैसे रीप का फॉर्म अगले महीने कभी भी निकल सकता है तो उसके थ्रू आप ले सकते हैं इसको, अपने ना ऑप्शन भर दीजिएगा कि गेट्स आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी अपन बात करते हैं कि इसका एवरेज पैकेज कितना है, पैकेज कैसा है इसका, पैकेज इसके नॉर्मल ही है ज़्यादा, मतलब बहुत तगड़े पैकेज नहीं अवेलेबल है, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है वैसे ही इसकी भी। इसका कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो अपना है यार अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लाख रुपए का, तो मतलब ठीक ठाक एवरेज पैकेज है इसका। और इसके अपने इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है अप्रॉक्सीमेटली यार 14 लाख का, 14 लाख का मतलब बहुत तगड़ा है, मतलब क्या ही बताया जाए, 14 LPA पर एनम, लैक्स पर एनम, ठीक है ऐसे मान लेना पर मंथ मिल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर एनम है ये परसेंटेज आपका मतलब जो आपको मिल रहा है पैसा। उसके अंदर अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जो आपको मतलब अच्छा पैकेज दे रही है या फिर इस कॉलेज में आती है प्लेसमेंट के लिए, तो एक अदानी हो गई, TCI हो गई, रिलायंस भी आती है, ICIC बैंक भी आती है, जो TCS वगैरह थोड़ी बहुत छोटी छोटी कंपनी है, TCS मतलब बहुत रेयर चांसेस है इनके आने के, बाकी तो यार ये सब कंपनीज आती रहती हैं, और जो पास की जो लोकल कंपनीज है वो भी आ जाती हैं इसके अंदर।
अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा था मैंने अपने दोस्त से कि यार तो क्या सजेस्ट करोगे आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को, तो यार उसने बोल दिया नो आई विल आस्क देम टू सेव मनी, मतलब उसने बोल दिया कि यार नहीं यार उसको जिन बच्चों को इसमें एडमिशन लेना है इंस्टेंट वो पैसे बचा सकते हैं और किसी अच्छे कॉलेज में यार ट्राई कर सकते हैं मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से ये था बात। तो यार मुझे लगता है कि आपको सुन में आ गया होगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन, अगर मजबूरी है तो लेना पड़ेगा ही अपन को, बाकी अगर मजबूरी नहीं है तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं दूसरे कॉलेज में लेने का भी। तो अगर आपको मुझे लगता है कि यार इधर रैप अप करते हैं इस वीडियो को, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए कमेंट्स में, अपन सब सॉल्व करेंगे। बाकी तो यार वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको लगी वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो शेयर करें दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में जिसके साथ आप MD स्पॉट पर जाने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी तो शेयर करें सबके साथ में और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाकी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नाउ।